यहाँ से बस जो है एक बस्ती के लिए गोरखपुर के लिए चला गया। हमने माननीय मंत्री से बात की है करीब 15-20 दिन पहले, वो कहे कि एक दो हफ्ते हमें मौका दिया जाए और तत्काल उसको हम घोषणा करेंगे, जिस दिन आप आओगे उस दिन हम तुरंत कह देंगे चलना चालू हो जाएगा। कल ही हम पुनः गए हैं, मिले हैं, कहा हाँ ठीक है, ठीक समय पर आप आए हैं, तुरंत हमारे सामने हमारे पत्र का जो है वो तुरंत व्हाट्सअप कर दिए और तुरंत अधिकारी हमको फ़ोन करके बताए कि कल बस वहाँ चलना चालू हो जाए। आज यहाँ से बस पहली बस जो है यहाँ से कनकटा खैलाबाद होते हुए गोरखपुर के लिए यहाँ हम लोग हरी झंडी दिखाई दिया। यहाँ का इतिहास रहा है कि बसें का उद्घाटन होता बड़े धूमधाम से नारियल फोड़ा जाता और बाद में बंद हो जाती बसें। मैं वादा करता हूँ मेरे कार्यकाल की तो बात छोड़िए, वो कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि बसें जो बंद होती हैं वो आय नहीं हो पाता, सवारी नहीं निकल पाती है। लेकिन मैं फायदा कराऊंगा उनका, यहाँ से सिकरीगंज तक की व्यवस्था कराएंगे, अब बस यहाँ से पूरा भरकर हम भेजेंगे। नगर पंचायत तो सरकार का नुकसान होगा और न तो यहाँ से बस बंद होने वाला, अभी और भी चलेंगी बसें। तो नगर पंचायत का क्या प्लान रहेगा सवारी भरने को लेकर? नगर पंचायत का प्रयास ये रहेगा सब जो है यहाँ बताया जाएगा, दूर दराज में जागरूक किया जाएगा कि सरकारी बस का ही आप जो है साधन करें और उसी से आवे जाने, उससे आने जाने पर इंश्योर्ड भी आदमी रहता है और सुरक्षा की पूरी गारंटी रहती है। मीडिया के माध्यम से आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे नगर पंचायत के विकास में आप सभी लोग सहयोग करें और मुझे सुझाव दें कि कैसे नगर पंचायत हमारा सुदृढ़ होगा, कैसे सफाई दुरुस्त होगी, कैसे विकास होगा। सभी लोग अपना सहयोग दें और सुझाव बराबर आप लोग दें। मैं सभी सम्मानित यहाँ के हैसर बाजार के सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कि एक एक डेढ़ महीने पहले मीटिंग करके भी बात हुई थी, आप लोग जो रोडों पर ठेला ठेलिया लगवाते हैं अपने घर के सामने, किराया भी लेते हैं और ठेला ठेलिया लगवाता है, रोड जाम होता है, कहीं भी कोई त्यौहार आ जाता है इतना जाम हो जाता है, आम आदमी परेशान हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं चल पाता है। इसलिए मैं यहाँ के सम्मानित अपने सभी जागरूक व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके सामने जो ठेलिया लगवाते हैं और किराया लेते हैं उनसे अपने मकानों में किराया ले, अपने मकानों में उनको रखिए और किराया तब लीजिए, और रोड पर आप लोग लगाकर किराया लेने के काम करते हैं ये निंदनीय है। आप लोग अंदर जिनको भी किराए पर करिए अपने मकानों में करिए, मकान के सामने कोई ठेला ठेलिया मत लगावे जिससे रोड अतिक्रमण जो है अतिक्रमण न बढ़वाइए। अभी हमको जाना है, आहरा जाना हो, एम्बुलेंस जाना हो, दो गाड़ी नहीं क्रॉस होती है, लाकर रोड तक लो है, सभी लोग अपनी दुकान लगा लिए हैं जिससे आवागमन बाधित होता है और कोई आदमी निकलना चाहे तो निकल नहीं पाता है। ये तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी है रोड की, वो खाली कराया जा रहा है, सबको एक बार निर्देशित एक बार हम सुझाव दे दे रहे हैं, बैठकर मीटिंग भी कर लिए कि ऐसा यह सब काम ना हो, लेकिन अभी हम जो है कोई दंड नहीं लगा रहे हैं, अभी एकदम सहयोग से व्यापारी बंधु खुद हमारा सहयोग करें, नगर पंचायत के विकास में अपना सहयोग करें, उसके लिए बार बार अभी देखिए हर गाड़ियों पर कचरा वाली गाड़ियों पर हम वो लगा दिए हैं माइक, उससे जो है सबको बराबर अल्टीमेटम देंगे कि जो रास्ता कब्जा किए हैं, जो रास्ते पर भैंस वगैरह बांध कर रखे हैं वो भी खाली करें, और जो मेन रोड पर जो मेन रोड अब बताइए राम जानकी पर लोग जो है लाकर कब्जा कर लिए, दूर तक एक तो घर बनवा नजदीक कर रोड के नजदीक कर घर बनवा लिए हैं, उसके बाद ठेलिया वाले को लगवा देते हैं, रोड पूरा जाम हो जाता है। जी अभी अभी कितने रूटों पे आपकी बसें चल रही है? अभी एक बस आज पहला बस जो है संचालित हुआ है जो हमारे प्रयासों से हुआ है। जी सर, कौन से रूट पे है, कहाँ से? ये यहाँ हैसर बाजार से चली है, तनघटा होते हुए मुख्यालय जिला मुख्यालय जाएगी, वहाँ से गोरखपुर जाएगी, अब पुनः वैसे आकर यहाँ रुकेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद।